हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभ्यास और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी का जॉब अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों, दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में वैकेंसी चल रही है। ये कंपनी महाराष्ट्र के पुणे के चाकन MIDC में है और चाकन MIDC में यह आलंदी फाटा नाम की जगह पर स्थित है। दोस्तों, यह एक MNC कंपनी है और इस कंपनी के इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। इस कंपनी के पुणे में दो प्लांट्स हैं, जिनमें से एक प्लांट आलंदी फाटा में और एक प्लांट वांबुली फाटा में है। दोस्तों, इस समय आलंदी फाटा वाले प्लांट में भर्ती चल रही है। इस कंपनी में सोमवार से भर्ती होने वाली है। दोस्तों, इस कंपनी में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए भर्ती है। अगर आप इस कंपनी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो कंपनी के गेट पे सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में आ जाइए, और जब भी आए तो अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट साइज की 5 से 6 फ़ोटो लेकर आइएगा। आपकी ज्वाइनिंग इस कंपनी में आसानी से हो जाएगी। दोस्तों, इस कंपनी में एज लिमिट 21 साल है। इस कंपनी में बस और कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है और इसका कुछ चार्जेस कटता है। दोस्तों, इस कंपनी में डिप्लोमा वालों के लिए सैलरी 16,000 रुपये महीना और इस कंपनी में बस और कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। इस कंपनी की बसें आपको पुणे के हर एक मुख्य जगहों, जैसे कि चाकन चौक, अम्बेठन चौक, बालाजी नगर, मोसी, निगड़ी, इसके अलावा और भी बहुत सारे अन्य जगहों पर आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, इस कंपनी में हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, इस कंपनी में गाड़ियों के शाफ्ट, एक्सल और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अन्य पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस कंपनी में आने के लिए अगर आप पुणे में रहते हैं तो पुणे से डायरेक्ट भोसरी बस स्टैंड पर आ जाएँ और वहाँ से आप चाकन के लिए बस पकड़ लीजिएगा। और चाकन चौक से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है आलंदी फाटा नाम की जगह, आप वहाँ पर बस से उतर जाइएगा। वहाँ से लगभग 100 मीटर दूर ही ये कंपनी है। इस कंपनी के आसपास माहले कंपनी और गैब्रिल कंपनी भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।